हेलो एवरीवन, आज हम लौकी की मिठाई बनाने वाले हैं। लौकी की मिठाई बनाना बहुत ही आसान है और यह कम टाइम में भी बन जाती है, बहुत टेस्टी भी होती है। चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो लौकी की मिठाई बनाने के लिए मैंने 1 किलो लौकी ली है। लौकी के सॉफ्ट होनी चाहिए, हार्ड नहीं होनी चाहिए। अब लौकी को मैंने पील कर लिया, अच्छे से पील कर लीजिए और आजू बाजू के हम ये निकाल देंगे। फिर उसके बाद मैं, ये लौकी काफ़ी बड़ी है इसलिए मैं इसको 2 से 3 भाग में डिवाइड कर दे रही हूँ ताकि मुझे इसको क्रश करने में आसानी हो जाए। अब मैं इसको बीज से कट कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे चेक करना है कि इस लौकी के बीज कड़क तो नहीं है। अगर बीजे इसके कड़क होंगे तो हम इसके बीजे ये पल्प अंदर का निकाल देंगे। अगर बीजे सॉफ्ट हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रहने दीजिए, बीजे रहने दीजिए और इसको कद्दूकस कर लीजिए। तो इस तरीके से देखिए, मैंने कद्दूकस कर लिए हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है जब हम लौकी को कद्दूकस करते हैं तो बहुत ही, तो इससे बहुत पानी निकलता है। तो इस तरीके से मैं ऐसे हाथ से दबाते हुए पानी निकाल लूँगी। थोड़ा पानी रहेगा चलेगा, बट जो बहुत ज़्यादा पानी है वो हम निकाल लेंगे। अब कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई गर्म हो गई थी तो मैंने 2 चम्मच घी डाल दिया है। आप कम घी भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने 2 चम्मच घी डाल के ये जो लौकी है, लौकी हम इसमें डाल देंगे और 2-3 मिनट तक हम इसमें लौकी को सेकेंगे। जब घी में 2-3 मिनट तक लौकी अच्छे से सिक जाएगी तब हम इसमें दूध डालेंगे। अब यहाँ पे मैं 1/2 लीटर गाय का दूध ले रही हूँ, आप चाहो तो भैंस का भी दूध ले सकते हो। मैं गाय का इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मेरे पास 1 कटोरी मलाई है। जब मैं इसमें मलाई डाल दूँगी तो जो मिठाई बनेगी उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बनेगा, मावा जैसे टेस्ट आएगा। तो अभी यहाँ पे मैंने दूध डाल दिया, इसको 1-2 मिनट चलाऊंगी। अब मैं मलाई डाल रही हूँ। तो मलाई जो थी 3-4 दिन की मलाई है, 1 कटोरी है। तो इसको मैंने फ्रीजर में स्टोर किया था इसलिए मैं 1 घंटा पहले निकाला था, बट ये पूरा नहीं, मेल्ट नहीं हो पाई है। बट ठीक है, कोई नहीं, कढ़ाई में मेल्ट हो जाएगी। मैंने इसमें मलाई डाल दी है। मलाई को हमेशा फ्रीजर में स्टोर करिए, इससे क्या होगा, मलाई बिल्कुल फ्रेश रहती है, उसमें कोई उसका टेस्ट चेंज नहीं होता है। तो अब जब ये इसमें मलाई अच्छे से घुल जाएगी तो 1 कटोरी शक्कर डाल रही हूँ। अगर आप छोटी चम्मच से नापोगे तो 5 से 6 चम्मच ही शुगर होगी, उससे ज़्यादा नहीं ले रही हूँ। मैं थोड़ा फीका बना रही हूँ, आप चाहो तो थोड़ी और शक्कर डाल सकते हो, 1.5 कटोरी अप्रोक्स आप डाल सकते हो। तो जब इसमें शुगर अच्छे से घुल जाएगी, थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा मिक्सर, तब मैंने यहाँ पर कटे हुए छोटी कटोरी काजू डाले हैं, 4 से 5 चम्मच, और उतने ही मैं बादाम डाल रही हूँ। आप चाहो तो इसमें जो चिरौंजी वगैरह डाल सकते हो, बट मैंने फिलहाल ये दोनों ही चीज़ें डाली हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं डाल रही हूँ। हाँ, मैंने 1 इलायची भी डाली है, मैं इलायची बताना शूट करना भूल गई थी वीडियो में, तो मैंने यहाँ पे 2 इलायची डाली हैं। अब लेकिन अब ये जो गाढ़ा हो गया है, अब आप हाई फ्लेम पे मत चलाइएगा, लो फ्लेम पे चलाइएगा, और अगर हाई फ्लेम पे चला रहे हो तो कंटिन्यूसली चलाते जाइए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिक्सचर निकाला था क्योंकि मेरी बीबी को खाना था, वो बहुत देर से मांग रही थी, तो मैंने कहा उसको दे देती हूँ, हलवा जैसे टेस्ट आ जाएगा जब तक वो ठंडा करके उसको खा लेगी। अभी मैं इसको चला रही, तो मैं हाई फ्लेम पर चला रही तो मैं खड़ी हूँ किचन में और कंटिन्यूसली इसको चलाते जा रही हूँ। अगर आप मीन्स किचन से इधर उधर जा रहे हो थोड़ा सा छोड़ के, तो लो फ्लेम पर करके जाइए, अदरवाइज़ क्या होगा, कढ़ाई के नीचे तली में ये लग जाएगा और मीन्स ये जल जाएगी मिठाई, टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। इसलिए आपको खड़े होकर कंटिन्यूसली ही चलाना है। और देखिए अब ये 2-5 मिनट ही आप चलाओगे, मस्त गाढ़ा, तो मिक्सचर जो है अच्छा गाढ़ा बन के तैयार हो जाएगा और ये घी छोड़ने लगेगा। मीन्स इसकी पहचान यही है, जब ये कढ़ाई में घी छोड़ने लगे, जब आप ऐसे चम्मच से घुमाओगे तो पूरा मिक्सचर अपने आप घूमने लगेगा, इट मीन्स कि ये बन के तैयार हो गया है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ से घी निकल रहा है, घी छोड़ने लगा है वो। तो मैंने 1 प्लेट में घी लगा लिया है, उसको ग्रीस कर लिया और जो मिक्सचर है उसको हम ट्रांसफर कर लेंगे एक प्लेट में। तो इस प्लेट में हम मिक्सर को ट्रांसफर कर लेंगे। देखिए अच्छे से मैंने घी लगा लिया, आप चाहो तो ब्रश से भी लगा सकते हो, मैंने फिंगर का यूज कर लिया है। अब मैंने ये मिक्सचर था उसको प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया, और प्लेट में ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसको एक साथ जमा लेंगे। आप चाहो तो, मैं यहाँ पे स्पैचुला की हेल्प से कर रही हूँ, आप चम्मच की हेल्प से कर सकते हो या कटोरी की हेल्प से कर सकते हो, जो कटोरी सेम तले वाली होती है उसमें थोड़ा सा घी लगा लीजिए और इसको इस तरीके से दबा दीजिए और एक साथ कर दीजिए, जैसा मीन्स थोड़ा आजू बाजू से। तो देखिए मैंने यहाँ पर चौकोर शेप दे दिया, एक साथ कर दिया है। अब यहाँ पर मैं थोड़े से बादाम लगा दूँगी गार्निश के लिए, आप चाहो तो
पिस्ता हो या जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है आप लगा सकते हो। थोड़ा सा मैं दबा दूंगी ताकि वो अंदर चले जाएं, बाहर निकले ना। फिर इसको सेट करने के लिए मैं फ्रिज में आधा घंटा रख दूंगी। अगर आप लोगों को फ्रिज में नहीं रखना है तो 3-4 घंटे के लिए आप बाहर रख दीजिए ताकि वो जम जाए मिठाई अच्छे से। अब आधा घंटा हो गया है, मैंने फ्रिज से निकाल ली है। अब मैं इसमें कट लगा दूंगी, इसके पीसेस कर लूँगी। तो आप पीसेस आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, छोटे बड़े या डिज़ाइन वाले, डायमंड शेप या फिर स्क्वायर शेप, जो भी आपको पसंद है उस तरीके से आप शेप्स बना लीजिए। ऐसे नाइफ के हेल्प से कट कर लीजिए। ये जो मिठाई बनती है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। आप घर पे ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा, आपको डेफिनेटली पसंद आने वाली है। रक्षाबंधन पे आप ज़रूर बनाइए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो गाइज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। इससे मुझे सपोर्ट मिलेगा, इनकरेजमेंट मिलेगा। और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है गाइस, इसलिए आप चैनल पे जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी आपको कंटेंट पसंद आते हैं आप उनमें से सारे वीडियोस देख सकते हैं। चलिए रक्षाबंधन पे ये रेसिपी ट्राई कर लीजिए। टेक केयर, बाय बाय।